अब रुख करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में गुरुवार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में सभी पहलुओं पर भोपाल सिटी मिंटो हॉल में चर्चा की गई। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में राज्य शोध ज्ञान फाउंडेशन स्थापित करने की भी घोषणा की है। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव समेत कई शिक्षाविद शामिल हुए। सबका सौभाग्य है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 की जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, आज उसका शुभारंभ किया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विभाग ने समय रहते वो सारी तैयारियां की जिसके बलबूते पर न केवल राज्य में नई शिक्षा नीति लागू हो पाए, बल्कि उसमें जो मूल गुणात्मकता और विभिन्न प्रकार के संकायों को और विभिन्न विषयों को समेकित करते हुए लागू करने के लिए जो तैयारियां की जाना चाहिए थी, सिलेबस के बनाने से लेकर के वो सब भी हमारे विभाग ने किया है। अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में देश का वो अग्रगण्य राज्य हो गया है जिसमें नई शिक्षा नीति इसी साल प्रथम वर्ष के एडमिशन के साथ ही प्रारंभ करेगा।